गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर क्लास. दिस इज़ योर टीचर ज्योति ताम्रकार. एंड इन टूडेज क्लास वी आर गोइंग टू स्टडी ग्रामर. ओके, सो आज से हम क्या कर रहे हैं, ग्रामर बुक स्टार्ट कर रहे हैं. ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ चैप्टर वन. तो हमारा चैप्टर वन है द सेंटेंस फ्रेज एंड क्लॉज. ओके, सो यहाँ पे आप सेंटेंस क्या होता है वो जानेंगे, फ्रेज क्या होता है उसके बारे में पता करेंगे, देन क्लॉज क्या होता है वो भी हमें पता चलेगा, देन हाउ दे आर डिफरेंट टू ईच अदर ये भी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं. ओके, सो सेंटेंसेस जो हैं ऑलरेडी आपको पता है कि क्या होता है. एक्चुअली सेंटेंसेस आर द ग्रुप ऑफ वर्ड्स दोज गिव सम कंप्लीट मीनिंग, जो हमारे एक पर्टिकुलर आइडिया को फुली एक्सप्रेस करते हैं, हमारे थॉट को एक्सप्रेस करते हैं. ओके, और ये क्योंकि कंप्लीट मीनिंग देते हैं दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड सेंटेंस. ओके, और सेंटेंस जो होता है उसका एक प्रॉपर सीक्वेंसिंग होता है अकॉर्डिंग टू देयर टाइप. हमारा जैसे असर्टिव सेंटेंस होता है टू स्टार्ट विद सब्जेक्ट, इम्पैरेटिव सेंटेंस स्टार्ट विद अ वर्ब. ओके, सो आपका एक सेंटेंस जो होता है उसका प्रॉपर अरेंजमेंट होता है. सचेस सबसे पहले सब्जेक्ट होना चाहिए, देन यू कैन यूज़ हेल्पिंग वर्ब, आफ्टर हेल्पिंग वर्ब यू आर टू यूज़ मेन वर्ब, राइट. तो एक प्रॉपर सीक्वेंस होता है इन वर्ड्स का, जिन वर्ड्स को मिला करके एक सेंटेंस बनता है एंड देन इट गिव्स सम कंप्लीट मीनिंग. ओके, तो ये मीनिंग फिल होता है, इट्स अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. ठीक है, और सेंटेंस जो होता है कुछ एक थिंग्स वी आर टू रिमेंबर अबाउट द सेंटेंस, जैसे कि अ सेंटेंस शुड बिगिन विद अ कैपिटल लेटर. सेंटेंस जो होता है वो किससे स्टार्ट होना चाहिए, कैपिटल लेटर से स्टार्ट होना चाहिए एंड इट शुड एंड विद सम प्रॉपर पंक्चुएशन मार्क. तो प्रॉपर पंक्चुएशन मार्क्स अकॉर्डिंग टू सेंटेंस यू कैन यूज फुल स्टॉप और द क्वेश्चन मार्क और द मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन जो है हम वो यूज़ करते हैं. ठीक है, तो ग्रुप ऑफ वर्ड जो कंप्लीट मीनिंग दे वो सेंटेंस होता है. नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर टू डिस्कस इज द फ्रेज. सो फ्रेज जो होता है एक ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, बट द थिंग दैट मेक इट डिफरेंट फ्रॉम द सेंटेंस इज दैट कि इसका कंप्लीट मीनिंग नहीं होता है. ठीक है, इसका ग्रुप ऑफ वर्ड होता है बट मीनिंग यहाँ पर हमें कंप्लीट फ्रेज में देखने को नहीं मिलेगा. फॉर एग्ज़ाम्पल इन द पार्क, राइट. इन द पार्क जो है वो हमें कुछ एक मीनिंग तो दे रहा है जैसे कि पार्क में, बट कंप्लीट मीनिंग हमें नहीं मिल रहा है. सो इफ़ वी वॉन्ट टू मेक इट अ कम्प्लीट सेंटेंस वी शुड ऐड सम ऑफ द वर्ड्स हियर. कुछ एक वर्ड्स हमें यहाँ पर यूज़ करने होंगे, जैसे द चिल्ड्रन वर प्लेइंग इन द पार्क. तो इन द पार्क के साथ में हमने क्या यूज़ कर दिया, द चिल्ड्रन वर प्लेइंग एंड देन वी गॉट द फुल आइडिया, फुल थॉट एंड कंप्लीट मीनिंग. तो फ्रेजेस जो होते हैं दे आर ऑल्सो ग्रुप ऑफ वर्ड्स बट इनका कंप्लीट मीनिंग नहीं होता है. और अगर हम इन्हें कंप्लीट मीनिंग देना चाहते हैं देन वी नीड टू यूज सम वर्ड्स. ठीक है, विद दिस फ्रेजेस तो हमें कंप्लीट मीनिंग मिल जाएगा. नेक्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज द क्लॉज. ओके, सो क्लॉज इज ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. समटाइम्स इट गिव्स कंप्लीट मीनिंग, समटाइम्स और मैनी ऑफ द टाइम्स वी कैन सी इट गिव्स अस कंप्लीट मीनिंग. तो क्लॉज जो होता है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है और कंप्लीट मीनिंग होता है. इसके अंदर सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट ओके वो भी देखने को मिलेगा जस्ट एज इन अ सेंटेंस. बट द थिंग दैट इट डिफर फ्रॉम द सेंटेंस इज जस्ट दैट कि ये जो होता है क्लॉज वो किसी बड़े सेंटेंस का पार्ट होता है. ठीक है, तो अगर कोई एक सेंटेंस किसी बड़े सेंटेंस का हिस्सा बन जाता है देन इट विल बी कॉल्ड क्लॉज. ओके, लेट्स सी एन एग्जांपल. इफ आई विल से आई एम अ टीचर, राइट, सो इट इज़ अ सेंटेंस बिकॉज इट इज़ गिविंग अ कम्प्लीट मीनिंग. ठीक है, एंड देन आई विल से यू आर अ स्टूडेंट.
It is also a sentence because it is giving a full meaning, complete idea यहाँ पर express कर रहा है. अभी ये क्या है, independent है, एक दूसरे से बिल्कुल अलग है. तो these are the sentences. And if I join these two sentences with some of the conjunction like and, ठीक है, तो I am a teacher and you are a student. Now these two sentences जो अभी हमने इससे पहले पढ़े थे, they cannot be called a sentence now. क्यों? क्योंकि ये दोनों सेंटेंस जो हमने पहले इंडिपेंडेंटली पढ़े थे, अभी एक बड़े सेंटेंस का हिस्सा हो जाएंगे. और इन दोनों सेंटेंसेस को मिलाकर हमारे पास एक नया सेंटेंस होगा, दैट आई एम अ टीचर एंड यू आर अ स्टूडेंट. ओके, सो दिस वन इज द न्यू सेंटेंस वी हैव कंस्ट्रक्टेड, एक नया सेंटेंस जो हमने फॉर्म किया है. नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे फुल स्टॉप आपको कहाँ मिल रहा है, एट द एंड आफ्टर स्टूडेंट. ओके, तो आपका सेंटेंस कहाँ पर ख़त्म होता है, एक फुल स्टॉप पर, यानी या फिर किसी और पंक्चुएशन मार्क पर आप ख़त्म कर सकते हो. इट इज़ स्टार्टिंग विद आई. ओके, तो पहले ये दोनों जो थे वो सेंटेंसेस थे, बट नाउ दीज टू सेंटेंसेस टर्न इनटू क्लॉज, राइट. अब ये सेंटेंस जो है वो क्लॉज वन क्लॉज टू में टर्न हो गए, बिकॉज दे आर नॉट इंडिपेंडेंट. अब दोनों जो हैं वो एक साथ एक किसी बड़े सेंटेंस का हिस्सा बन गए हैं. ओके, तो क्लॉजेज एंड सेंटेंसेज आर सिमिलर. द डिफरेंस इज ओनली दैट मच कि आपका क्लॉज जो होता है वो किसी बड़े सेंटेंस, किसी लार्जर सेंटेंस का पार्ट होता है, और सेंटेंस जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है. ओके, सो नाउ लेट्स सी कि फ्रेज क्लॉज और सेंटेंस के अंदर वर्ब्स किस तरह से डिफर होंगे. ठीक है, तो फ्रेज जो होता है यहाँ पे फाइनाइट वर्ब होना जरूरी नहीं है. अब अगर हम फाइनाइट वर्ब बोल रहे हैं तो व्हाट डज इट मीन बाय फाइनाइट वर्ब. सो फाइनाइट वर्ब्स आर द वर्ब्स दोज चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट एंड द टेंस. सब्जेक्ट के नंबर और टेंस के अकॉर्डिंग जो चेंज हो, जैसे यहाँ पर है अ क्लॉज, अगर हम यहाँ पर क्लॉजेस कर देंगे तो इस जो है उसको हमें आर में बदलना होगा. ठीक है, आर से रिप्लेस करना होगा. तो फाइनाइट वर्ब्स आर द वर्ब्स those change according to the number of the subject and according to the tense also. Clauses जो होते हैं, clause has one finite verb. Sentence जो होता है, at least one finite verb तो होता है, but there may be more than one finite verb. यहाँ पर एक से ज़्यादा verb, एक से ज़्यादा subject, एक से ज़्यादा object देखने को आपको मिल जाएंगे. Okay, so I think आपको फ्रेज क्लॉज और सेंटेंस के बीच का डिफरेंस अभी समझ में आ गया होगा. नाउ हियर आर सम ऑफ द एमसीक्यूज. तो क्वेश्चन नंबर वन सीज अ ब्लैंक मेक अ सेंस बट नॉट कंप्लीट. तो इनकम्प्लीट सेंस कौन देता है, फ्रेज देता है. सो फ्रेज इज द करेक्ट आंसर. अ ब्लैंक कैन नेवर स्टैंड ऑन इट्स ओन, जो पूरा मीनिंग नहीं देगा. विच वन इज दैट, अगेन फ्रेज ही एक ऐसी टर्म है जो अपना खुद का मीनिंग बाय ओन पूरे नहीं दे सकता है. सो फ्रेज वी आर टू फिल. एंड द थर्ड वन इज़ अ सेंटेंस शुड ऑलवेज कंटेन वन. एक सेंटेंस के अंदर वन क्या होना चाहिए, फाइनाइट वर्ब होना जरूरी होता है. ओके, देन स्टेटमेंट्स हैं जिन्हें आपको पढ़ करके ट्रू एंड फॉल्स में बताना है. देन आपको कुछ एक एक्सरसाइजेज दिए हुए हैं, इन एक्सरसाइज से उन सेंटेंसेस को आपको फ्रेज क्लॉज एंड सेंटेंस वो क्या है ये बताना है. जैसे दे आर बिजी, हियर इज अ सेंटेंस दे आर बिजी. इट्स गिविंग अस अ कंप्लीट मीनिंग. सो इट इज अ सेंटेंस नियर आर हाउस. इट्स गिविंग इनकम्प्लीट सेंस. सो इट
इज द फ्रेज ओपन द डोर, ये पूरा आपको मीनिंग दे रहा है. सो दिस इज अ सेंटेंस. द ट्रेन वॉज रनिंग लेट, ये भी आपको कंप्लीट आइडिया दे रहा है. बिकॉज ही वॉज लेट, नाउ यू कैन सी कि ये एक क्लॉज है जो किसी आगे के इसके आगे का सेंटेंस जो है वो कुछ और होगा. सो दिस इज द डिपेंडेंट क्लॉज. वॉट कैन आई डू फॉर यू, इट्स अ क्वेश्चन, सो इट इज अ सेंटेंस. डोंट टीज द डॉग, ये भी आपको कंप्लीट आइडिया दे रहा है. दैट आई cannot do it, कि मैं ये नहीं कर पाया, तो it's a dependent clause. Then he does not like you, it's a full sentence. Love for music, it's not giving complete meaning, so it is a phrase. Okay, and इसके बाद आपका जो exercise D है वहाँ पर आपको कुछ एक phrases दिए हैं जिनको use करके आपको complete sentence जो है उसे form करना है, right? तो this was all about the clauses, phrase and the sentences. So this is all for today. Have a nice day. Goodbye.